अकेला ही फौज के बराबर है। किस फिल्म में रणबीर कपूर लड़ेंगे संजू बाबा से? टाइगर 3 से जुड़ी ये क्या अपडेट आ रही है सामने? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी। दोस्तों, आज का दिन बॉलीवुड वालों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि सरकार ने महाराष्ट्र में 27 अक्टूबर से थिएटर्स खोलने की अनुमति जो दे दी है। इस घोषणा के साथ ही अब बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी अपनी फिल्मों की रिलीज डेट्स को लेकर दर्शकों के सामने आए हैं। इन सब में एक प्रोडक्शन कंपनी जिसने सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट की है वो है यशराज फिल्म्स, जिसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और धबाधब अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट की। सबसे पहले खबर आई सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टार और फैमिली एंटरटेनमेंट बंटी और बबली 2 की। मेकर्स ने घोषणा की है कि ये फिल्म 19 नवंबर 2021 को रिलीज होगी। वरुण वी शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और डेब्यूटेंट शर्वरी की फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद आती है बारी YRF से आने वाली पहली हिस्टोरिकल फिल्म पृथ्वीराज की, जो वर्ल्ड वाइड 21 जनवरी 2022 को रिलीज की जाएगी। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के किरदार में होंगे। ये फिल्म उनकी असली कहानी पर आधारित होगी, जिसमें उनकी बहादुरी और ताकत को दिखाया जाएगा। इस फिल्म में मनुषी चिल्लर भी अपना डेब्यू करने वाली हैं। फिल्म को चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने निर्देशित किया है। उसके बाद बॉलीवुड की एक फिल्म जिसका इंतजार सबको बेसब्री से है वो है रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार। दिव्यांग ठक्कर द्वारा निर्देशित ये फिल्म 25 फेब 2022 को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। ये एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट है जिसमें एक गुजराती फैमिली की कहानी होगी। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित शमशेरा, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे। वाणी कपूर के ऑपोजिट उनकी ये फिल्म 2022 में होली के मौके पर यानी कि 18 मार्च को रिलीज की जाएगी। फिल्म में रणबीर एक अलग ही किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि संजू बाबा के साथ लड़ाई करते हुए दिखेंगे। इन सब के अलावा एक फिल्म जिसका दर्शकों को बेचैनी से इंतजार है वो है टाइगर 3, जिसे मनीष शर्मा निर्देशित कर रहे हैं। इसमें सलमान खान और कटरीना कैफ लीड रोल्स में होंगे और इसकी शूटिंग फिलहाल ऑस्ट्रिया में चल रही है, जिसे बीच में ही छोड़कर सलमान वापस इंडिया आ गए हैं। दरअसल अपने आने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से जुड़े कुछ काम के लिए वो वापस आए हैं और 2 दिन बाद वो फिर से रवाना हो जाएंगे। हालांकि ये भी बता दें कि सलमान एक बार फिर से 1 अक्टूबर को वापस इंडिया आएंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर से उनका शो जो शुरू होने वाला है। इसी बीच कटरीना और इमरान ऑस्ट्रिया में ही अपने शूट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने।